हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल में मूवी स्टोरी वाला में। आज हम जिस मूवी पे बात करने वाले हैं वो एक गेम पे आधारित है। मूवी में उस गेम का मेन कैरेक्टर एडमिरल भी दिखाया जाता है। इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो लॉजिक के बारे में ना सोचकर मूवी को डायरेक्ट एंजॉय कीजिएगा या सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मदद करें इस चैनल को बड़ा बनाने में। मूवी के स्टार्टिंग में एक शिप दिखाया जाता है जो रेत पर चल रहा होता है। उस शिप को शिकारियों के ग्रुप चला रहे होते हैं और एक लड़की बायनोकुलर से दूर के दृश्य देख रही होती है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को वो लोग डायब्लूस बुलाते हैं। मानो वो मॉन्स्टर रेत को पानी की तरह रेत पर तैर रहा होता है और जहाज को टक्कर मारता है। तभी उस पर सवार लोग इधर उधर होने लगते हैं और उस शिप में से हंटर रेत पर गिर जाता है और वो शिप आगे चली जाती है। फिर दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड में, कहीं यूएन के ब्रेवो टीम अपने पेट्रोल पार्टी को ढूंढने जाते हैं। हाँ, उन्हें लॉस्ट सिग्नल उनका मिला था। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि गाड़ी अचानक से कहीं चली गई। तब वो सब देखते हैं एक बड़ी सी स्टॉर्म उनके तरफ आ रही होती है। वो लोग उसे देखकर जाने का फैसला करते हैं। आते वक्त उन्हें वहाँ पर ब्लैक स्टोन का मार्कर दिखता है जो अजीब सी लैंग्वेज पे लिखा है और वो चमक रहा होता है। तभी अचानक से एक पोर्टल जैसा ओपन होता है और वो लोग उसमें गिरते चले जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है वो न्यू वर्ल्ड में कहीं गिरते हैं जहां पहले वो शिप चल रही थी। वो एक दूसरे से पूछते हैं हम कहां। उनकी बॉस कहती है मैप के हिसाब से यहां रेत नहीं होनी चाहिए थे। फिर उनका एक साथी दूसरे छोर पर उन्हें बुलाता है कुछ देखने के लिए। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं वो पेट्रोल पार्टी वहाँ सब जले पड़े हैं। सिचुएशन को भांपते हुए वो वहाँ से निकलने की सोचते हैं और फिर चल पड़ते हैं। तभी उसे हैवी हंटर को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन पे खड़ा होकर उस ब्रेवो टीम को देख रहा होता है। अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक डायनासोर का कंकाल दिखता है बड़ा सा। तभी हंटर एक तीर छोड़ता है। लोग उसे एनिमी समझकर उस पर गोली चलाने लगते हैं। तभी पीछे से वही मॉन्स्टर आता रहता है ब्रेवो टीम के पीछे। ब्रेवो टीम की नजर पड़ती और वहां से जाने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनकी तरफ उनके गाड़ी को टक्कर मारता है। के बाद वो लोग दूसरे गाड़ी की ओर भागते हैं उस गाड़ी की ओर उस गाड़ी को छोड़कर। उसके बाद वो मॉन्स्टर भी उसी गाड़ी के पीछे भागता है और वो उसे और उस गाड़ी को पलट देता है। उसके बाद जब सब उस पलटी हुई गाड़ी में से निकल रहे होते हैं तभी वो उनमें से एक को मार देता है। तो सभी सामने माउंटेन की ओर भागते हैं। इतने में वो हंटर उनका ध्यान भटकाता है और वो वही माउंटेन के केव में छुप जाता है। हंटर उस केव में घुस नहीं पाता है और चला जाता है। मॉन्स्टर के जाने के बाद वो लोग एक दूसरे से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि था क्या ये। तभी उनके बॉस कहती है जो भी हो हम सोल्जर हैं और हमें लड़ते रहना है। तभी इतने में ही एक स्पाइडर मॉन्स्टर आता है और पीछे से उनकी बॉस को पकड़ कर उठा लेता है। तभी उनमें से एक स्नाइपर उसे स्पाइडर के आंख पर गोली मारता है और वो वहां से भाग। तभी वो लोग अपने बॉस को मेडिकली ट्रीट करते हैं पर वो कुछ रिस्पांस नहीं करती है। तभी वो उसे मरा समझकर छोड़कर चले जाते हैं और फिर दिखाया जाता है स्पाइडर मॉन्स्टर उन पे हमला करने के लिए फिर से आते हैं। वो अपनी जान बचाकर भागते हैं। दूसरी तरफ हंटर भी देख रहा होता है दूर कहीं से और उन्हें बचाने की कोशिश भी करता है पर वो बच नहीं पाते हैं और हंटर के पीछे भी वो जाते हैं। तभी हंटर भी अपने सेफ प्लेस में चले जाता है। फिर जिस रेंजर को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया जाता है उसे होश आता है और वैसे ही पीछे से स्पाइडर आकर उसे भी ले जाता है। उसका नाम अर्थमिस रहता है। फिर दिखाया जाता है कि उसे होश आता है और स्पाइडर के एक बहुत बड़े वेब में टंगी हुई होती है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को बाहर निकालती है और देखती है उसके इर्द गिर्द उसी के साथी होते हैं। उनमें से एक बैग खंगालती और उसमें से कुछ फ्लेम और बुलेट मिलता है कर उन्हें रख कर वो आगे बढ़ती है और वो रास्ते में एक साथी भी उसे मिलता है जिसका नाम लिंक रहता है। वो चलने के हालत में नहीं रहता है। तभी स्पाइडर आ जाते हैं और वो लिंक को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही स्पाइडर आर्टेमिस के ऊपर अटैक करते हैं तभी वो फ्लेम निकाल कर स्पाइडर की ओर करके उसे
चलाने लगती है और जैसे तैसे करके उनके केब से बाहर निकलती है और हटकर बैठती है और अपने आप को चेक करती है कहीं उसके सारे साथियों की तरह स्पाइडर तो नहीं बन रहा है उसमें भी। तभी नजर पड़ती है उन स्पाइडरों के ग्रुप पे। वो अपने गुफा में से आने की कोशिश करते हैं पर बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि सनलाइट होती है बाहर। फिर वो अंदर की ओर ही वेट करते हैं। तब अर्धी एक बुलेट मिलता है उसे। उस बुलेट के गन पाउडर से वो अपने जख्मों को जलाती है कि जिससे उसका इन्फेक्शन ना फैले। फिर वहां से चल देती है। वो देखती है वो एक आइसलैंड टाइप का है जो बीच रेत में बना है और फिर एक स्टोन रेत पे मारती है तो वहां से मॉन्स्टर डायब्लो आ जाता है और वो छुप जाती है। वो पानी के तलाश में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ते रहती है और हंटर भी उसे फॉलो करते रहता है। वे अर्थमिस एक शिप के कब्रिस्तान जैसा जगह में पहुंचती है। बहुत सारे शिप टूटे फूटे रहते हैं। उन पर जाकर वाटर भी ढूंढती है, कुछ नहीं मिलता है। तभी उसका सामना हंटर से होता है और वो फाइट करने लगते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद हंटर अर्थमिस को बंदी बनाकर अपने सेफ प्लेस पे ले जाता है। उसी दौरान सूरज ढलने वाला होता है। वो उसे कहता है जल्दी चलो। वैसे ही तभी उसके बाद वो अर्थमिस को एक साइड में बैठा कर पानी पीने लगता है उसे दिखाकर। तब फिर अपने जख्म को ठीक करता है और प्रेयर करके सो जाता है। उधर अर्थमिस अपना हाथ खोल लेती है और एक्टिंग करते रहती है। तभी सुबह होती है और हंटर बाहर जाकर देखता है वही जगह पे जहाँ से स्टॉर्म दिखता है। फिर वो अपने सेफ केव में जाता है। तभी देखता है अर्थमिस वहाँ नहीं होती है। तभी पीछे से हंटर को अर्थमिस मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तो वो हाथ बंधे हुए होते हैं उसके। अर्थमिस उसे दिखाकर पानी पीने की कोशिश करती है। तभी हंटर उसे गिरा देता है और फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ते लड़ते वो केव से बाहर आ जाते हैं और हंटर उसी स्पाइडर केव में जा गिरता है। तब अर्थमिस उसे बचा लेती है, उसके हाथ खोल देती है और कहती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है और वो उसके लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता है। तभी अर्थमिस उसे चॉकलेट देती है खाने को और उसे इशारे में बताती है ये खाना है। वो खाता है और फिर वो और मांगता है चॉकलेट। फिर इशारे में उसे कहती है कि उसके पास और नहीं है। तभी बदले में वो भी अपना पानी देता है। अर्थमिस उसका शुक्रिया अदा करके उसे पी लेती है और फिर वो वहाँ से और फिर वो वहीं जाते हैं उसी स्टॉर्म को देखने और कहती है ये मॉन्स्टर है बीच में। तो वो बताता है ये डायब्लोस है। अर्थमिस कहती है उस गाड़ी में वेपन है जो इसे मार सकते हैं। तभी हंटर भी उसे ले जाता है स्पाइडर केप के पास और इशारे से कहता है कि हम स्पाइडर के पॉइजन की जरूरत है। स्पाइडर के पॉइजन से मॉन्स्टर को भी वो लोग एक ट्रैप तैयार करके वेट करते हैं सूरज डूबने का। फिर अर्थमिस गाना गाकर उनको बुलाती है। तभी एक स्पाइडर निकलकर उनके पीछे भागता है और उनके ट्रैप में फंस जाता है। तभी हंटर उस स्पाइडर के हेड पर हमला करता है और उसके एक आर्म को काट लेता है। काटने के बाद वो वहाँ से सेफ हाउस चले आते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होते ही वो अपने तैयारी में लग जाते हैं और एक ट्रैप सेट करते हैं। दूसरी तरफ हंटर पॉइजन वाला एरो तैयार करता है और वो ट्रेन करता है अपने वेपन्स चलाने के लिए अर्थमिस को और उसे अपने वेपन भी देता है। लोग फाइनल तैयारी के बाद रेत के पास खड़े होकर उसे उसी मॉन्स्टर को देखते रहते हैं क्योंकि ट्रैप में रेत की टाइमर सेट किया हुआ होता है। जैसे एक बैरल उड़कर रेत पे गिरती है और वो मॉन्स्टर उससे उस बैरल की ओर भागता है। वो दोनों भी भागना चालू करते हैं और मॉन्स्टर को पता चलता है वो वहाँ, तो वो उन दोनों के तरफ भागता है और भी वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर रेत के अंदर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी अंटर अर्थमिस से कहता है इशारों में तुम गाड़ी के तरफ भागना, मैं दूसरी तरफ भागता हूँ। तभी हंटर स्टार्ट करता है दूसरी तरफ भागना और मॉन्स्टर के आंख में वो पॉइजन वाला एरो मार देता है पर मॉन्स्टर भी उसे मारता है और वो अर्थमिस की ओर जा गिरता है। फिर मॉन्स्टर भी अर्थमिस की ओर भागता है। तभी अर्थमिस उसी गाड़ी के गन से उस पर हमला करती है। गोली खत्म होने के बाद वो आरपीजी निकालती है और उस मॉन्स्टर पर चलाती है पर वो मॉन्स्टर नहीं मरता। तभी हंटर
उस मॉन्स्टर के सर पर चढ़कर अपने तलवार से उस मॉन्स्टर के सर में डाल देता है। फिर वो हंटर को दूसरी तरफ फेंक देता है वो मॉन्स्टर। अर्थमिस उसके सर पर चढ़कर उसी तलवार को सिर के अंदर घुसा देती है, तब जाकर वो मरता है। तब जाकर अर्थमिस हंटर के पास जाकर देखती है रेत का तूफान आने वाला है। तभी वो डायवलुस के शरीर से उसका बाहरी कवच काट कर उस पे हंटर को लेटा कर वहां से चल देती है। टल्की और कुछ मेडिपैक भी उठा लेती है जाने से पहले। तब जब रास्ते में हंटर की तबीयत खराब होता देख, तूफान तेज होता देख, वो वहीं एक छोटा सा टेंट बनाकर रुकने का फैसला करती है और हंटर को इंस्टेंट रिलीफ के लिए उसे चेस्ट में कुछ डालती भी है। सुबह तूफान खत्म होने पर वो रेत से बाहर निकलती है और हंटर को बाहर भी निकलती है। तभी हंटर को होश आता है और वो वहां से उठकर चल देता है। अर्थमिस भी उसके पीछे चल देती है पोर्टल की ओर। तभी उन्हें रास्ते में एक हरा भरा जंगल जैसा मिलता है। वो वहां जाते हैं, तभी वहां का नजारा देखने लायक होता है। वो दोनों नदी किनारे खड़े होकर एप्सरस को पानी पीते हुए देखते हैं और टर अर्थमिस को बताता है कि ये सिर्फ हरी पत्तियां खाते हैं। फिर अर्थमिस पानी पीने की ओर बढ़ती है, तब एक मॉन्स्टर निकलता है और उस पर हमला करता है। टर उसे मारता है और अर्थमिस पे हंसने लगता है। तब वो दोनों वहीं खाते पीते फिर मिस हो जाती है और हंटर परेड करते रहता है। तभी कुछ समा में होता है, तब वो दोनों खड़े होकर देखते हैं उसे कुछ दूर आग के लपटे उठ रही होती है। तभी दोनों देखते हैं दूसरी तरफ से जलते हुए एप्सरस आ रहे होते हैं। हंटर भी वहां से भागने लगता है। अर्थमिस गिर जाती है वहीं पे। तब वहां एडमिरल की एंट्री होती है और वो से अपने वेपन की मदद से बचाता है। दूसरी तरफ हंटर भी भागते भागते एक छोर पर जाकर फंस जाता है। उसकी एक साथी भी आकर हंटर को बचा लेती है और जब अर्थमिस को एडमिरल को थैंक यू बोलती है, वो उसे बोलता है अभी मत बोलो मुझे, और एक पंच मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी आगे दिखाया जाता है कि उसकी आंखें शिप पे खुलती है और शिप के लोग उसे देख रहे होते हैं। हंटर वहां पर आकर उन लोगों को भगा देता है और वो फिर चले जाता है। अर्थमिस भी मौका पाते ही वहीं रखी बेंच से नीचे का ताला तोड़कर बाहर आ जाती है। उसकी मुलाकात हंटर से होती है और फिर एडमिरल उसके हाथ खोल देता है, पूछती है मैं यहाँ कैसे आई। वो बताता है अपनी बुक में पोर्टल की फोटो दिखाकर अदर मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है। तभी अगले सुबह वो वर्ड अर्थमिस निकलते हैं पोर्टल के टावर के पास जाने के लिए। उसके बाद वो कई माउंटेन से होते हुए पोर्टल टावर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं आसपास। तभी एडमिरल कहता है अर्थमिस से टावर को पावर वोल्केनो से मिलती है और उसके इर्द गिर्द पोर्टल खोलते बंद होते रहते हैं। अभी वो लोग अंदर जाने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें कुछ टूटा हुआ ग्लास के पीस मिलते हैं और वो समझ जाते हैं और कहते हैं लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। एथलस से वो अलग अलग डायरेक्शन में जाकर छिप जाते हैं। एथलस आता है और एडमिरल के कुछ साथियों पे फायर फ्लेम से हमला करता है। वो जलकर इधर उधर भागने लगते हैं और फिर रथलोस अर्थमिस के पास आता है। दूसरी ओर से एडमिरल रथलोस को चैलेंज करते हैं लड़ाई, और रथलोस एडमिरल के पास जाता है। वो एक वार करते हैं, रथलोस अपने फायर फ्लेम से वार करता है। तब दूसरी ओर से अर्थमिस और हंटर वार करते हैं। उसके बाद तीनों और एडमिरल के सारे साथी रथलोस पे वार करते हैं। भी दिखाया जाता है वो मारकर फिर से लाइट क्रिएट करने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्थमिस रेथलोस से लड़ रही होती है। रेथलोस उसे एक छोर पे फेंक देता है और फायर फ्लेम से अर्थमिस पर अटैक करने वाला ही होता है कि वो उस माउंटेन के छोर से कूद जाती है और फिर एक पोर्टल ओपन होता है। उसमें गिरते चली जाती है और जाकर वापस अर्थ पर गिरती है। अकेली आर्मी ढूंढ लेती है और उसे रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर में ले जाने लगती है। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के सामने पोर्टल ओपन होता है। रथलस बाहर आता है उसमें से और हेलीकॉप्टर को डैमेज कर गिरा देता है। अब ये देख आर्मी रथलस पे अटैक करती है और कोई फायदा नहीं होता। एक एक करके रथलस सब वेपन को नष्ट करते चला जाता है। दूसरी तरफ अर्थमिस उसी हेलीकॉप्टर क्रैश में सरवाइव होकर उसमें से वेपन और बुलेट लेकर बाहर आती है और रथलस पे अटैक करती है। रथलस फायर फ्लेम करने के लिए अपना मुंह खोलता है। तभी अर्थमिस हंटर के दिए वेपन से अटैक करती है और फिर वो जलने लगता है
और उसके बाद वो गिर जाता है। फिर वो उठ खड़ा होता है और तब हंटर भी उसी पोर्टल से आ जाता है, रथलस के वीक पॉइंट पे अटैक करता है के उसे मारता है। अभी एडमिरल वहाँ आते हैं और आर्टेमिस देता है और कहता है हम तुम्हारी मदद करने आए। फिर वैसे ही एक पोर्टल ओपन होता है, तभी एक और मॉन्स्टर अर्थ की ओर आते रहता है। आर्टेमिस कहती है हमें इस टावर को तबाह करना होगा, और फिर तीनों उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और